Assalamu alaikum students, welcome to my learn programming youtube channel. Today students, we will start lecture number 73. Students, aaj ke lecture mein hum dekhenge text field ki example ko. Jo previous lecture tha, lecture number 72, usme humne dekha tha hum ek image pattern kis tarah create kar sakte hain, then usko frame pe kaise add karwa sakte hain. To students, aaj hum text field ki example ko dekhenge, to aapne ye video skip nahi karni, last tak dekhni hai. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने क्लास क्रिएट करनी है. आपने जो फोल्डर क्रिएट किया हो, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट जावा स्विंग, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, क्लास को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे अपनी क्लास का नेम मेंशन करना है और यहाँ पे अपने इसको मेन मैथड को चेक कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है. स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने क्लास क्रिएट की हुई है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की है जे टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल के नेम से. सबसे पहले स्टूडेंट, आपने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करवाना है. इंपोर्ट करवाने के लिए इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, देन लिखेंगे जावा एक्स डॉट स्विंग. ये हमारे पास पैकेज है और यहाँ पे स्टेरी का मतलब ये है जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी इम्पोर्ट हो जाए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने मेन मेथड के अंदर आना है. यहाँ पे आपने एक फ्रेम सबसे पहले क्रिएट करना है जे फ्रेम के नेम से. आपने ये क्लास यूज करनी है जे फ्रेम की. इसका ऑब्जेक्ट आपने बनाना है इक्वल का साइन, न्यू का कीवर्ड लगा के जे फ्रेम का आपने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना. इसके पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट राइट करेंगे, वो आपके फ्रेम के ऊपर शो होगा. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जे टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल. आपने लास्ट पे सेमी कोलन लगाना है. अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो टेक्स्ट फील्ड में एड करवाना चाह रही है अपने प्रोग्राम में, तो आपने जे टेक्स्ट फील्ड की क्लास लेनी है और जितने आपने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करवाने हैं उतने आपने इसके वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं. TF1, TF2. मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स को यूज करना है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं. TF1 वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज करवाना है इक्वल का साइन लगा के न्यू, और देन आपने क्लास क्रिएट जो की थी उसका आपने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करना है जे टेक्स्ट फील्ड क्लास. इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड 1 में आपने जो भी टेक्स्ट लिखवाना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं. डबल कोट्स के अंदर लिखें कि हम वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग चैनल. लास्ट आपने सेमी कोलन लगाना है. अब आपने इस जो टेक्स्ट फील्ड आपने क्रिएट की उसकी आपने बाउंड्री सेट करनी है. सेट बाउंड्स का मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को पास करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं 200. यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देती है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं वैल्यूज. और यहाँ पे हम देते हैं इसकी जो विड्थ है वो 150 और उसकी हाइट 30. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने टेक्स्ट फील्ड 2 को लेना है और इसको आपने इनिशियलाइज करवाना है, न्यू का साइन लगाना है. जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने वो यहाँ पे कॉल करना है. उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी लिखना चाहे. यहाँ पे मैं लिखी स्विंग ट्यूटोरियल. लास्ट में अपने सेमी कोलन लगाना है. अब इस वेरिएबल की जो आपने टेक्स्ट फील्ड बनाया है इसकी आपने बाउंड्री सेट करनी है. सेट बाउंड्स का मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे आपने इसकी बाउंड्री सेट करनी है 200. यहाँ पे इसकी जो विड्थ 150 दे रही हूँ और लास्ट पे इसकी जो हाइट है वो 30. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड को आपने क्रिएट भी कर लिया, इसके अंदर आपने टेक्स्ट भी लिखवा लिया कि ये वाला टेक्स्ट हमें शो हो और देन इसकी आपने बाउंड्री भी सेट कर लिया. अब स्टूडेंट्स, आपने जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, आपने इसकी जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किए इसको आपने अपने फ्रेम के ऊपर एड करवाने, तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और एड का मैथड. एड का मैथड आपने यूज करना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट फील्ड 1 को एड करवाना है. TF1 जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड 1 है वो हमारे फ्रेम के ऊपर ऐड हो गया. इसी तरह आपने ऐड करवाना है जो टेक्स्ट फील्ड 2 है उसको ऐड करवाना है. लास्ट में सेमी कोलन लगा देना है. अब स्टूडेंट्स, अब आपने फ्रेम का जो आपके लेआउट है, विजिबिलिटी है, जो फंक्शन साइज वगैरह, ये आपने यूज करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने करना है यहाँ पे एफ डॉट सेट साइज. अब यहाँ पे आप अपने फ्रेम का साइज सेट कर दे. 400 की विड्थ रख रही हूँ, 400 इसकी हाइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने सेट लेआउट, आपने इसकी लेआउट सेट करनी है. यहाँ पे लेआउट हम नल भी रख सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसकी लेआउट नल रखती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी विजिबिलिटी सेट करनी है. सेट विजिबल का मेथड आपने यूज करना है और फ्रेम की जो विजिबिलिटी है वो आपने सेट करना है. सेट विजिबल ट्रू कर देंगे तो आपकी जो फ्रेम की विजिबिलिटी है वो ट्रू हो जाएगी आपको. अब यहाँ पे अपने लास्ट पे सेमी कोलन लगाना है.
स्टूडेंट्स अब आपने इस प्रोग्राम को कंट्रोल प्लस एस से सेव करना है। अब यहाँ से मैंने इसको प्रोग्राम को रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो आपके पास दो टेक्स्ट फील्ड शो होंगे, वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग और स्विंग ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने फ्रेम के टाइटल दिया था जे टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको शो है जे टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एक टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट किया वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग, ये मेरे यहाँ पे शो है। और देन स्विंग ट्यूटोरियल मेरा सेकंड टेक्स्ट फील्ड है। अब स्टूडेंट्स ये जो टेक्स्ट फील्ड मैंने दो क्रिएट किए ये मेरे मिड में नहीं आ रहे, तो आप ये करने यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे 100 कर देंगे इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू है 100 कर देंगे तो होप्स हो आपके जो टेक्स्ट फील्ड है वो सेंटर में है। तो आपने इस प्रोग्राम को चेंजेस के बाद आपने कंट्रोल प्लस एस सेव करना है, दोबारा इसको यहाँ से रन करना है। तो अब देखें स्टूडेंट्स मेरे जो टेक्स्ट फील्ड है अब जरा थोड़े से आ रहे हैं सेंटर में आगे। अब मैं इन टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने वैल्यूज को कम कर देना है। यहाँ पे मैं 100 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 200। स्टूडेंट्स अब आपने फिर इसको रन करना है और जैसे आप रन करेंगे तो आपके थोड़े से टेक्स्ट फील्ड ऊपर हो गए। अब इन दोनों जो टेक्स्ट फील्ड के दरमियान में डिस्टेंस वो मैं कम करना चाह रही हूँ, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका आपने जो आपने वैल्यू दी उसे कम कर देनी। मैं 150 दे रही, पहले मैंने 200 दी थी। आपने फिर यहाँ से इसको रन करना है तो आपके पास जो स्पेस है वो कम हो गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास अब ये चीज रहेगी कि जो मैंने यहाँ पे लिखवा है वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग, मेरे जो टेक्स्ट फील्ड की जो वर्ड है वो कम है जबकि जो टेक्स्ट है वो मेरे पास ज्यादा है। मेरे पास जो टेक्स्ट है वो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग चैनल, तो यहाँ पे मुझे जैसे इतना ही शोर हो रहा है वेलकम टू लर्न प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स आपने इसके जो वर्थ है टेक्स्ट फील्ड वन इसके आपने जो वर्थ है वो आपने इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे 200 मैं दे देती हूँ। अब आप प्लीज को कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करना है प्रोग्राम को, यहाँ से आपने इसको रन करना है। तो स्टूडेंट्स अभी भी मेरा जो चैनल है वो यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा, तो आपने इसकी सिंपली वृद्ध जो है वो आपने इंक्रीज करते जाना है। फिर आपने प्रोग्राम को सेव करना है और यहाँ से इसको रन करना है। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स है जो इसकी वृद्ध है वो सही है और मेरे पास पूरा टेक्स्ट मेरे टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा है। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के वीडियो की समझ लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।